ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम हस्बनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलहम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुल रब्बिना बिल हक़ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء الصلوات بھیجے بر محمد وعلى آل محمد حضرات جشن شریکت الحسین بنام سید سجاد اور इस साल जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम के 1400 साल मुकम्मल होने पर इस जश्न का आगाज़ गुज़श्ता सालहा की तरीके से इमसाल भी मुय्यन है और इसके बानी मबानी मौलाना ज़फ़रुल हसन साहब और अंजुमन सज्जादिया के तमाम अरकान काबिले फ़ख्र मबाहात हैं कि उन्होंने बड़ी ही दिलचस्पी के साथ इस प्रोग्राम को मुअय्यन किया और मुरत्तब किया। हजरात, प्रोग्राम को मुअय्यन करना और मुरत्तब करना ये खादिमीन का काम होता है, लेकिन उसको कामयाब बनाना सामीन का काम होता है। अगर सामे किसी भी प्रोग्राम में नहीं आएंगे तो जितने भी खादिमीन होंगे इनकी दिल शिकनी होती है। इसलिए खैर, इस वक्त तो अभी इफ्तिताही मंजिल है, रात में प्रोग्राम जब शुरू होगा तो तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि वक्त मुय्यना पर आ करके इस प्रोग्राम को कामयाब करें। इसलिए ये प्रोग्राम अंजुमन का नहीं है, ये पूरा इलाका इससे समझा जाता है और समझ करके इसको लोग देखते हैं नेट पर और यूट्यूब पे, और हर जगह जब जाता है ये तो हर आदमी देखता है कितने लोग इसमें बैठे हुए हैं, कितने लोग शरीक हैं। तो इसलिए प्रोग्राम को अगर कामयाब करना है तो हमें ये चाहिए कि प्रोग्राम को मुरत्तब करने के साथ साथ थोड़ा सी जिम्मेदारियां हमारी भी हैं, खुसूसन हमारे अरकान अंजुमन सज्जादिया की, कि वो हर आदमी से थोड़ा कंटेक्ट रखा करें ताकि लोग अपने वक्त पर आ जाया करें। अब देखिए, इस वक्त कोई शायर मौजूद नहीं है कि मेरे बाद कौन पढ़ेगा। चलिए, माशाल्लाह से अच्छी बात है, क्योंकि मुझको तकरीर बहुत लंबी नहीं करना है। आज जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम के 1400 साल जो मुकम्मल हुए हैं, वो आप जानते हैं कि सन 43 हिजरी को जनाब अली अकबर की विलादत है और इस वक्त 1443 हिजरी चल रहा है। इस एतबार से जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की विलादत के पूरे मुकम्मल तौर पर 1400 साल मुकम्मल हुए हैं। तो इस पर भी हम आपको मुबारकबाद देते हैं और इसी के साथ साथ जहां आप जनाब ज़ैनब और जनाब सैयद सज्जाद का जश्न मना रहे हैं, इसकी भी मुबारकबाद आप सभी लोगों की जानिब से, अपनी जानिब से ज़माने के इमाम की खिदमत में पेश करने की शहादत हासिल करता हूँ। एक बार नारे सलवात से इस्तकबाल करें। अल्लाहुम्मा सल्ल अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। हजरात, देखें जनाब सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम और जनाब ज़ैनब औलिया मकाम, ये दो हस्तियां ऐसी हैं कि जिनकी अगर आप सवाने हयात देखें तो बड़ी मुसीबत ज़्यादा दिखाई देती है, लेकिन जो काम जनाब सैयद सज्जाद और जनाब ज़ैनब औलिया मकाम ने किया है, इस्लाम को बचाने में पूरा
कारमान इस्लाम अगर जैनब व आबिदी बीमार न होते तो करबला के बाद सारा मकसद हुसैन का पामाल हो जाता। हुसैन के मकसद को पामाली से बचाने के लिए जनाब सैयद सज्जाद और जनाब जैनब उलिया मकाम ने हुसैन का मकसद को कामयाब किया। अब मकसद हुसैन का क्या था? इस्लाम बचाना, इस्लाम में क्या है, दीन में क्या है, वो पूरी तकरीर आप मुसलसल चार मजलिसों में पांच मजलिसों में सुन चुके हैं कि दीन इस्लाम क्या चीज़ है, उसको कैसे बचाया है। बहरहाल जनाब मजलूम करबला की ज़ात व ज़ात है जिसने इस्लाम को बचाने के लिए करबला के मक्तल में अपनी कुर्बानी पेश की है। लेकिन याद रहे जहाँ पर जनाब मजलूम करबला ने अपनी कुर्बानी देकर इस्लाम को बचाया है तो इस इस्लाम को चादर जनाब जैनब ने उड़ाया है। इसलिए आलम अरबाह में जो वादा किया था वो सब आपको मालूम है, मैं वो दोहराना नहीं चाहता। आलम अरबाह की सारी कैफियत आपको मालूम है कि जब अल्लाह ने तमाम रूहों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद सबसे कलमे तौहीद, कलमे नबूवत और कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का विर्द करवाया तो जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो अल्लाह की उलूहियत का इकरार कर लिया और जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा वो मुसलमान हो गया। जिसने अलीयुम वलीयुल्लाह कहा उसने पूरा मुकम्मल कलमा पढ़ा। ये आलम अरबाह की बात है। अब दुनिया में आने के बाद पैगंबर फरमा देते हैं कि जो भी दुनिया में आया है आलम अरबाह में जिसने जिसने जो अल्लाह के सामने वादा किया है वही वादा दुनिया में आके पूरा करता है। जिसने कलमा अधूरा पढ़ा आज वो अधूरा है, जिसने मुकम्मल पढ़ा वो कलमा मुकम्मल पढ़ के आज मुसलमान हो गया। एक सलवा भेजे बर मोहम्मद और आल मोहम्मद पर। तो इसमें हमको और आपको शिकायत करने की ज़रूरत नहीं कि हम कम हैं, फला ज़्यादा है, फला ज़्यादा है, फला कम है, ऐसी कोई बात नहीं। आलम अरबाह में जिसने जितना कलमा पढ़ा है दुनिया में आने के बाद उतना ही मुसलमान बनेगा। अधूरा है तो अधूरा बनेगा, मुकम्मल है तो मुकम्मल बनेगा। लेकिन ये याद रहे जो मुकम्मल कलमा पढ़ते हैं उनकी भी जिम्मेदारियां हैं इस्लाम को बचाने के लिए। जैसे अहले बैत अलैहिस्सलाम ने कुर्बानियां दी हैं वैसे हमें भी कुर्बानियां देनी हैं, तब तो हम सच्चे मुसलमान और मोमिन बन सकते हैं। वरना सिर्फ जबानी दावा तो होगा लेकिन कमालात को पाने के लिए जब तक जान कुर्बान नहीं होगी तब तक सही मानों में हमारी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। एक सलवात भेजे बर मोहम्मद और आल मोहम्मद पर। आप देखें कि अल्लाह और अहले बैत अलैहिस्सलाम हमसे क्या चाहते हैं, हमसे क्या चाहते हैं। अगर अहले बैत अलैहिस्सलाम हमसे ये चाहते हैं कि आप अपनी कुर्बानी दे करके इस्लाम को बचाइए तो हमको कुर्बानी देना है। मसलन आज सारे मुसलमान ये दावा करते हैं, मोमिन जो हैं वो दावा करते हैं कि मौला हम आपके आवान और अंसार में हो जाएं। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप नमाज सब पढ़ते हैं तो आपका जवाब होगा नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि आप नमाज पंजगाना पढ़ते हैं तो बहुत से अफराद कहेंगे नहीं। बहुत से ऐसे अरकान हैं जो दीन इस्लाम में शामिल हैं लेकिन हमसे अदा नहीं हो पा रहे। आप बताइएगा अगर इमाम ज़माना के आवान व अंसार में हम अपना नाम शुमार करवाना चाहते हैं तो क्या हम जैसे नाकिस इंसान इमाम ज़माने के नासरीन में आ सकते हैं? जब नहीं आ सकते तो हमें वैसा बन करके दुनिया को दिखाना है, जिधर जाए उधर दुनिया समझ जाएगी ये इस्लाम वाला है, ये दीन वाला है, ये अहले बैत का चाहने वाला है। एक सलवात भेजे बर मोहम्मद और आल मोहम्मद पर। सिर्फ शोरा की जहां शोरा की जिम्मेदारियां हैं, उलमा की जिम्मेदारियां हैं, वहां आवाम की भी जिम्मेदारी है। शोरा अगर वाकई तौर पर इस्लाही और तबलीगी अशार पढ़ते हैं तो उन्हें भी अमल करना चाहिए। आलिम अगर कोई तबलीगी बात कहता है और इस्लाही बात बयान करता है तो उसे भी अमल करना चाहिए। सामे को तो अमल करना ही चाहिए लेकिन ज़्यादातर देखा यही जाता है बयान करने वाला बयान करके चला जाता है, एक कान से सुना दूसरे कान से बाहर निकाल दिया। इसका मतलब यह है हम सिर्फ और सिर्फ जबानी दावा करते हैं, अखलाकी दावा और किरदारी दावा हमारा बिल्कुल नहीं है। एक सवाल भेजे बर मोहम्मद और आल मोहम्मद पर। जनाब जैनब और जनाब मजलूम करबला ने यही बताया है कि देखिए करबला के मैदान में जो कुर्बानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दी है, बड़ी तफसीली गुफ्तगू इसकी है कि
कि इमाम हुसैन मजलूम करबला ने सिर्फ अपनी जैनब और अपनी बहन को क्यों लिया साथ में। सिर्फ मकसद जनाब मजलूम करबला का ये था कि चूंकि पैगंबर के जमाने में और आलम अरवाह में आका हुसैन ने वादा किया था कि ए परवरदिगार तेरे दीन को बचाने के लिए मैं कुर्बानियां दूंगा, जो जो कुर्बानी देनी थी सारा वादा आका हुसैन ने आलम अरवाह में और पैगंबर के जमाने में किया था। और उसके बाद जब सारा वादा कर लिया तो करने के बाद कहा, ए बहन जैनब, ये जैनब तुम ये बताओ कि तुम क्या कुछ इस्लाम पे कुर्बानी दे सकते हो? कहा, हाँ भैया, आपकी कुर्बानी जिस दिन खत्म हो जाएगी उसके बाद जैनब की कुर्बानी शुरू हो जाएगी, इसलिए कि दीन इस्लाम को अगर पर्दे की जरूरत होगी तो जैनब अपने सर के चादर को देकर के इस्लाम को बापर्दा बना देगी। एक सलवात भेजे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तो इसका मकसद ये नहीं है कि अगर जैनब ने अपनी चादर इस्लाम के लिए दी है तो हम बेरदा होकर के बाजारों और सड़कों पर टहले अपनी औरतों को घुमाए, नहीं। अगर मकसद हुसैन समझते हैं और जनाबे जैनबुलिया मकसद जनाबे जैनबुलिया मकाम का मकसद समझते हैं तो हमें अपने घर की औरतों को बाइफत और बापर्दा भी बनाना होगा ताकि तबलीग दीन भी हो सके, इस्लाम को लोग पहचान भी सके। एक और सलवात भेजे बर मोहम्मद और आल मोहम्मद पर।